एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएस। दोस्तों, डेली पीआईबी डिस्कशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रसन्ना वर्मा आपके सामने प्रेजेंट करने जा रही हूँ 27 जुलाई तक की, मतलब अगर देखें तो 26 जुलाई की रात तक की, आज की तो रात में या कल सुबह कवर करेंगे, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज। आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, पहली खबर निकल कर आ रही है वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट से। दोस्तों, वाइस प्रेसिडेंट ने कहा, कॉल्स फॉर डूइंग अवे विद द कॉलोनियल माइंडसेट एंड प्रैक्टिसेस फ्रॉम ऑल स्फीयर्स ऑफ आवर लाइफ। देखिए, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे हैं, उन्होंने कहा कि एजुकेशन जो है ये ही सबसे इम्पोर्टेंट है नेशनल डेवलपमेंट के लिए, और ज़रूरी है कि हम एक अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन को बढ़ावा दें जो सभी लोग जो है जिसे पा सकें, अफोर्ड कर सकें। आज का जो युवा है ये सामने आए और सोशल इवल जैसे कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और कास्टिज्म से सामने लड़े। फोकस एक इंसान की ड्यूटी पे होना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है अपने खुद के राइट्स को एंजॉय करने के लिए। आप जानते हो संविधान में लिखा है कि आपको राइट्स दिए हैं, आपको ड्यूटीज भी मिली हैं देश के प्रति, तो यहाँ पे एक इंसान को अपने राइट्स और ड्यूटीज को बराबर इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, ऐसा श्री वेंकैया नायडू साहब जी का कहना है। वाइस प्रेसिडेंट ने इनॉग्रेट भी करा प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन को हंसराज कॉलेज की, और प्रेज भी करा हंसराज कॉलेज को फॉर इमर्जिंग एज अ प्रीमियर सेंटर ऑफ एजुकेशन एक्सीलेंस के तौर पर। नेक्स्ट खबर हमारी है इसी के अंदर ही कि वाइस प्रेसिडेंट ने लोगों से अर्ज करा कि आप डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा दीजिए। कहा कि इससे हमारे बीच में यूनिटी बहुत मजबूत होगी, इंटीग्रिटी देश की और मजबूत होगी। साथ में तीसरी खबर ये है कि वाइस प्रेसिडेंट रिव्यूज प्रोग्रेस ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशंस जिन्हें सेटअप किया गया आंध्र प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट खबर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स की तरफ से। दोस्तों, तो बल्क ड्रग पार्क इन कंट्री, थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ मैं। दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल ने इम्प्लीमेंट करी है स्कीम प्रमोट करने के लिए बल्क ड्रग पार्क को, ताकि सेटअप कर सके 3 बल्क ड्रग पार्क को देश के अंदर, जिसको ऑब्जेक्टिव है मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट जो बल्क ड्रग्स की उसे कम करना, वर्ल्ड क्लास कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को बना के। नेक्स्ट खबर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से है। ECGC ने एक नई स्कीम को इंट्रोड्यूस करा है जो एक इन्हांस एक्सपोर्ट क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी, ये जो कवर प्रोवाइड करेगी रिस्क कवर अप टू 90% ऑफ स्मॉल फॉर स्मॉल एक्सपोर्टर्स के लिए। नेक्स्ट न्यूज हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ से है। तो यहाँ पे देखिए, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने इस्टेब्लिश करा 1037 स्टैंडर्ड क्लब्स को स्कूल्स एंड कॉलेजेस के अंदर पूरे देश में 2021-22 में। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से है। दोस्तों, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जिसके हेड रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी हैं, इन्होंने अप्रूव करा है आर्म्स प्रोक्योरमेंट प्रपोजल को, जिसकी कीमत करीब 28,732 करोड़ लाइक 28,732 करोड़ रुपीज़ है। नेक्स्ट हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से खबर है। यहाँ पर रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट इसकी वजह से बढ़ता हुआ क्रूड ऑयल का प्राइस और ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशन में टाइट होना, यही मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडियन रुपी डॉलर के अगेंस्ट गिरता जा रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने यहाँ पर दिया। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज की तरफ से है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने करीब 532 चार्जिंग स्टेशंस या इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं आप, इसे इंस्टॉल किया है अंडर फ्रेज 1 एंड फ्रेज 2 ऑफ फेम इंडिया स्कीम के तहत। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से है। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने इम्प्लीमेंट किया सूर्य मित्र स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को, जिससे ग्रीन जॉब्स को बढ़ाया जाएगा हमारे देश के अंदर। इसके बारे में हमने और डिस्कशन भी कई दफ़ा कर रखा है अपने उसमें, नेशनल सोलर एनर्जी ये सब रिलेटेड। उसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियांस एंड पेंशंस की तरफ से खबर ये आ रही है कि यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का कहना है, आफ्टर ग्रांटिंग मास प्रमोशन टू ओवर 8,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज 1 जुलाई को, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड जो है आपका जो पर्सनल ट्रेनिंग है ये अब रेडी है विद नेक्स्ट लॉट ऑफ ऑफिसर्स जो कि प्रमोट होंगे अगले 2 से 3 हफ्तों में। और लास्ट में मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट
शिपिंग और वाटरवेज की तरफ से खबर है दोस्तों कि ड्राफ्ट गाइडलाइंस फॉर ऑप्शनलाइजेशन ऑफ रो रो एंड रो पैक्स फेरी सर्विस की ये यहाँ पे आ गई हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ देख सकते हैं पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज प्रमोट कर रहा है रो 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 पैक्स ट्रांसपोर्टेशन को। सच ऐसा ये वाटर बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है जो काफ़ी अच्छा कदम होगा लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए, टाइम ट्रैवल को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए ट्रैफिक जाम जो लगता है रोड रेलवेज पे, नॉइस पोल्यूशन कम करने के लिए और कोस्टल शिपिंग को और बढ़ावा देने के लिए कुछ फीजिबल रूट्स में। गाइडलाइंस जो होंगी इसके लिए ये प्रॉपर होमोजेनाइज होंगी, स्ट्रीमलाइन करी जाएंगी डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशंस फेरी सर्विस के। इसके साथ प्रमोट करना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, कैसे अननेसेसरी जो डिले होता है, डिसएग्रीमेंट होता है, इन सबको हटा के और एक डिजिटल इंटरवेंशन को इंट्रोड्यूस करके एट कस्टमर इंटरफेस। ये पूरी खबरें जो हमने हर मिनिस्ट्रीज से आपके साथ डिस्कस करी दोस्तों। लेक्चर आपको अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, उसके साथ आप ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी जो है सपोर्ट कर सकते हैं मेरे काम में। साथ में ये फेसबुक और बाकी सारी सोशल मीडिया लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको लिंक्स। आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो डेली एक क्वेश्चन, उसके साथ कुछ मोटिवेशन कोर्स वगैरह को अटेम्प्ट करने के लिए। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।